आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ तेरवी हो गई, मगर मैं जिंदा हूँ तेरह करके मेरे हिस्से की साढ़े बारह एकड़ जमीन अपने नाम करा लिए साहब तब से लेके अब तक हम ये साबित कर रहे हैं कि मरा नहीं मैं जिंदा हुआ, हुआ आदमी तो कर रहा है तिहाड़ जेल चौदह दिन रह के आए एकसठ बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुझे गिरफ्तार भी किया है साथ तो से लेके प्रत्याशी तक का दौर हमने तय किया प्रत्याशी बन के भी इनके सामने पेश हुए देश विदेश की मीडिया ने कवर किया कौशिक साहब जो है की फिल्म भी बना दिए जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा बॉलीवुड में सलमान खान साहब कर दिए और गाँव में मरा हुआ घोषित करके जमीन हमारी कब्जा तुम्हारा गांव के दायत पड़ा

मेरे बराबर में खीरे की टोकरी है और इसका मालिक कौन है पता नहीं है क्योंकि अभी मैं खीरा भी खाऊंगा और खीरा खाते खाते और कुछ लोगों का यह कहना है कि मेरे बराबर में कोई शख्स बैठा हुआ है लेकिन अब यह शख्स है या नहीं है ये अपने आप में सवाल है क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे बराबर में कोई बैठा है उनको बताना चाहता हूँ बीस साल पहले ये शख्स मर चुका है और मेरे बराबर में कोई भी जिंदा व्यक्ति नहीं है क्योंकि जो सरकारी आंकड़े हैं उनके तहत और उनके मुताबिक अगर बात की जाए तो 20 साल पहले संतोष नाम का ये व्यक्ति मर चुका है अगर आप देखेंगे तो एक ये तफ्ती डली हुई है तेरहवीं हो गई मगर मैं जिंदा हूँ मतलब अपने अपने आप को जीवित करने की लड़ाई संतोष लड़ रहे हैं क्या जानकारी है क्या कुछ है संक्षेप में संतोष से जानेंगे संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ये जो आपने लिखा है हो गई है मगर मैं जिंदा हूँ क्या है इसके पीछे का कारण जी सर्वप्रथम आपको प्रणाम जनता जनार्दन को प्रणाम मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है ग्राम चितौनी पोस्ट चितौनी थाना चौबेपुर जिला बनारस के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मी मिडेट बट मैं जिंदा हूँ वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में मुझे मृतक दिखा दिया गया है में Uh, मेरे चचेरे ताऊ काका भाई अजय सिंह नारायण सिंह चित नारायण सिंह दुर्गा सिंह काफी लोग मिलकर ग्राम प्रधान द्वारा एक एफिडेविट लगा दिए लापता मिसिंग लास्ट मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मुहूर्त सिंह मर चुका है और करके मेरे तेरावी कर बारह एकड़ जमीन अपने नाम करा लिए साहब तब से लेकर अब तक हम ये साबित कर रहे हैं कि मरा नहीं मैं जिंदा हूँ मैं जिंदा हूँ लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा देखिए जैसे कि बताया संतोष जी ने कि इनके जो रिश्तेदार हैं इनके ताऊ या जो चाचा के लोग हैं भाई हैं इनके कज़न ब्रदर हैं उन्होंने प्रॉपर्टी के लालच में इनको मृत घोषित कर दिया है कि मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में संतोष जी मर गए हैं संतोष जी आपने अपने आपको जिंदा जताने के लिए बताने के लिए क्या कदम उठाए हैं जी साहब बीस वर्षों से कदम ही तो उठ रहे हैं बोले कि डेड मैन वॉकिंग डेड मैन फास्टिंग डेड मैन इंडिया प्रेसिडेंस रेसिंग टू थाउजेंड ये मरा हुआ आदमी तो कर रहा है तिहाड़ जेल चौदह दिन रह के आए एकसठ बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुझे गिरफ्तार भी किया है लेकिन लेखा जोखा में नहीं नज़रबंद के हिसाब से लोग गिरफ्तार कर लेते हैं अब और वी वी आई जब होता है तो कहीं मैं किसी नेता मंत्री के आगे ना चले जाऊँ एक बार हम योगी जी के गाड़ी के आगे आ गए थे अः कि भैया मैं जिंदा हूँ साहब तभी तो मैं आपके गाड़ी के आगे खड़ा हो रहा हूँ प्रार्थना कर रहा हूँ मतलब ये कह सकते हैं प्रार्थी बन के हमारा अगर सुनवाई नहीं होती है तो प्रार्थी से लेके प्रत्याशी तक का दौर हमने तय किया प्रत्याशी बन के भी इनके सामने पेश हुए देश विदेश की मीडिया ने कवर किया सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मुहूर्त सिंह देख सकते हैं गूगल पे आप मैं जिंदा हूँ संतोष मुहूर्त सिंह बोल दीजिए मेरे बीस वर्षों का संघर्ष आप देख सकते हैं फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब के हम कुक भी हैं वही मुझे दो सन दो में लेके बम्बई चले थे। नाना पाटेकर साहब के कुक रह कलम का वो पावर चलेगा वो हमारे प्रोटेस्ट में सदा उनका आशीर्वाद बना हुआ है जंतर मंतर पे भी आए नाइन्टी रेड एफ एम आर रौनक के साथ कैंपियन चलाया उन्होंने दो में उसमें पूरे बॉलीवुड के लोगों ने जो है की अपना अपना स्टेटमेंट दिया सतीश कौशिक साहब नसरुद्दीन शाह साहब नाना पाटेकर साहब काफ़ी लोग मुझे आके मिले भी और उन्होंने आश्वासन भी दिया उसमें से सतीश कौशिक साहब जो है कि फ़िल्म भी बना दिए जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा बॉलीवुड में सलमान खान साहब कर दिए और गाँव में मरा हुआ घोषित करके ज़मीन हमारी कब्जा तुम्हारा गाँव के दयात पड़दार कर लिए तो अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ साहब यहीं से इंडिया आ, में जो है कि डेड मैन ऑफर टू सुषमा स्वराज किडनी वो भी काफ़ी सुर्खियों में मामला रहा Uh, मैडम का uh, जो है कि तेज नेत्री कहे जाने वाली सुषमा स्वराज मैडम के यहाँ हम गए एम्स अस्पताल में एडमिट थी हमने कहा मैडम मैं मरा हुआ हूँ मेरी दो किडनी सही सलामत है एक किडनी आप ले लीजिए एक किडनी हमारे पास रहेगी हम दोनों जन जिंदा रहेंगे आप भी जिंदा होके हमको जिंदा कर देना लेकिन वो भी हमारा जो है कि विफल हो गया मैडम अब दुनिया में नहीं रही क्या करे साहब तो सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि पिछले 20 साल से एक व्यक्ति अपने जिंदा होने की लड़ाई लड़ रहा है आखिर ऐसी क्या लालच और प्रशासन क्यों नहीं साथ दे रहा है ये अपने आप में सवाल है क्योंकि ना कि केवल देश बल्कि विदेश की मीडिया ने भी संतोष के बारे में छापा है और ये अपने आप को जिंदा लाश कह सकते हैं ये या संतोष का भूत बैठा है हमारे साथ जो खीरे बेच के अपना आजकल का जो रोजी है वो इस खीरा बेच के कमा रहे हैं जंतर मंतर पर तो संतोष जी आपने तमाम चीजें कर ली मीडिया ने भी कवर कर लिया करोड़ों लोग आपको देख चुके हैं देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी आपको क्या लगता है क्यों सरकार आप ध्यान नहीं दे रही है या फिर इस बात को जो सरकार है वो कंसीडर नहीं कर रही है क्या लगता है आपको जी साहब ये कह सकते हैं कि जैसे कभी कभी देखिए आप लाइव डिबेट चैनल पे हर पार्टी के लोग बैठते हैं तो ये लोग उस पर भी जो है कि राजनीति करते हैं मुर्दू पे भी राजनीति कहते हैं कांग्रेस में मरे हो बीजेपी में जिंदा हो जाओगे अरे भाई अगर कांग्रेस में मरे तो कांग्रेस की सरकार के हम इंतजार करें कि कांग्रेस की सरकार आएगी तब हमको जिंदा करेंगे अभी प्रेजेंट टाइम में जिसकी सरकार है क्या उनका दायित्व नहीं बनता है डिबेट पे बैठ के आ, अपना नंबर बनाते हैं कि हाँ भैया हवेली पे आ जाना अरे कैसे हवेली पे आ जाऊँ मैं जिंदा मुर्दा हूँ मुझे कोई मार दे साहब वो भी केस नहीं होगा मरा हुआ आदमी हूँ यहाँ मैं जंतर मंतर पे इतने सालों से धरना दे रहा हूँ देश विदेश की मीडिया पूरे इतना कैमरा लगाए इतना सब लोग देख रहे हैं जान रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है बताइए तो कहे तो क्या करें जाए तो जाए कहाँ सब लोगों के साथ यहाँ जितने भी मतलब शासन प्रशासन के लोग हैं सब पहचानते हैं सबको प्रणाम दुआ करता हूँ सबका सेवा भाव करता हूँ साहब लेकिन उसके बावजूद भी जो है कि मुझे जिंदा नहीं किया बोले कोई क्राइम करो आप जिंदा हो जाओगे भावुक मत हो लेकिन ये देखिए कि कैसे एक व्यक्ति जो बीस साल से सरकारी रिकॉर्ड के अंदर मरा हुआ है और जो लोग देख रहे हैं वो ये देखें कि आदमी मेरे साथ संतोष मरा हुआ है इसकी आत्मा का हम इंटरव्यू ले रहे हैं और इस जो शख्स है इसकी रूह से हम बात कर रहे हैं इसकी लाश से हम जो है आपको इंटरव्यू करके दिखा रहे हैं तो क्या संतोष पिछले 20 साल से जो मृत हैं सरकारी रिकॉर्ड में वो क्या जिंदा हो पाएंगे तमाम करोड़ों लोगों के देखने के बाद भी संतोष के ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है कहीं ना कहीं एक कारण ये भी हो सकता है कि सरकार अपनी विफलताएं छिपाने का प्रयास कर रही है तो क्या है आपकी राय कमेंट द्वारा अपने विचार आप हमसे साझा कर सकते हैं अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे नमस्कार सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ